हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट लेसन ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10th। द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स अ समरी। प्लीज़ वॉच इट एंड अंडरस्टैंड। सभी छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं की बुक इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड की समरी का सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप इसको वॉच करें, समझें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे पाएँ। तो जो पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड, इसके जो टाइटल है इसी से हम समझ सकते हैं कि भगवान के नाम पत्र। तो भगवान के नाम पत्र जो कहानी है, ये एक किसान जिसका नाम लेंचो है की है, और वो किसान एक घाटी में एकमात्र उसका घर था, तो उसके ऊपर है दिस स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। ये कहानी जो भगवान के नाम एक पत्र है, ये भगवान के ऊपर एक्सट्रीम फेथ के से संबंधित है, यानी बहुत गहरा विश्वास से संबंधित है। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी जी एल फ्यूटस हैड ट्राइड टू डिपिक्ट द फेथ इन गॉड ऑफ अ सिंपल फार्मर। और इसके जो कवि हैं जी एल फ्यूटस, इन्होंने ये कोशिश की है कि वो शब्दों के द्वारा एक किसान का विश्वास भगवान में किस हद तक है इसको वर्णन कर पाएँ। लेंचो वॉज द पुअर फार्मर एंड लेंचो वॉज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक किसान था और इसके साथ साथ वो काफ़ी हार्ड वर्किंग था, कठिन परिश्रम करने वाला था। वंस देर वॉज हेल इन हिज वैली एंड इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली। एक बार बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म यानि कि ओले गिरने लगे और उन्होंने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। लेंचो हैड ग्रेट फेथ टू गॉड, ये तो हम पहले ही जानते हैं कि लेंचो का भगवान में बहुत गहरा विश्वास था। हेंस ही रॉट अ लेटर टू गॉड, और इस तरह उसने, जब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, उसकी फसलें सारी बर्बाद हो गई थी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और अगली फसल बोने के लिए कुछ नहीं था, तो उसके पास एकमात्र होप था भगवान, और उसने भगवान के नाम एक पत्र लिख दिया। He asked a letter to God and sent him money. और उसने उस जो पत्र लिखा उसमें भगवान से ये मांग की कि वो उसके लिए कुछ पैसे भेजें। The postmaster saw the letter. जब postmaster ने letter देखा, he decided to help Lencho. अब यहाँ पर यह बात हमें समझनी है कि postmaster ने जब वो पत्र देखा तो उसने decide किया कि वो Lencho की मदद करेगा। इसका मतलब ये है कि postmaster बहुत kind hearted व्यक्ति है, बहुत दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और इसलिए उसने उस किसान के विश्वास को देख करके उसको बनाए रखने के लिए ये डिसाइड किया, ये तय किया कि वो उसके लिए पैसे भेजेगा। ही कलेक्टेड सम मनी, और उसने कुछ पैसे गैदर किए। अब गैदर कहाँ से किए? उसने एक पार्ट अपनी सैलरी का दिया और बाकी जो अन्य उसके वर्कर थे, को और वर्कर थे, उनके उनसे मांग करके कुछ पैसे जमा किए। ही पुट इट इन साइड द एनवेलप, और उसने इस तरह इतने पैसे, जितने भी पैसे थे, उनको एनवेलप में डाला, लिफाफे में डाला, और तब क्या किया, उसको वो रुपए भेज दिए। आफ्टर फ्यू डेज लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, और कुछ दिनों बाद जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आया टू चेक हिज मेल, अपनी मेल को चेक करने के लिए, द पोस्ट ऑफिस पीपल गेव हिम टू द एनवेलप, और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसको वह एनवेलप यानी वो लिफाफा दे दिया। लेंचो ओपन्ड द एनवेलप, लेंचो ने लिफाफा खोला, ही टुक आउट द मनी, उसने पैसे निकाले एंड काउंटेड इट, और इन पैसों को गिनने लगा। ही फाउंड दैट इट वॉज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर, और उसे पता चला कि ये उतने पैसे नहीं थे जितने पैसों की उसने भगवान से मांग की थी। अब प्रश्न है कि उसने भगवान से कितने पैसों की मांग की थी? उसने भगवान से 100 पिसोस की मांग की थी, 100 पिसोस। और पिसोस क्या है? पिसोस एक करेंसी होती है लैटिन अमेरिकी देशों में। तो उसने 100 पिसोस की मांग की थी, और जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे और पोस्टमास्टर स्वयं था, ये लोग केवल 70 पिसोस जमा कर पाए थे। तो जब उसने इसको पढ़ा तो वो क्रोधित होता है, उसको गुस्सा आता है, और वो फिर से क्या करता है, भगवान के नाम एक पत्र लिखता है।
आफ्टर दैट ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, और भगवान के लिए वो एक दूसरा पत्र लिखता है, और इस बार वो कहता है कि ही आस्क्ड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, वो भगवान से कहता है कि बाकी जो बचा पैसा है मेरा उसको भी आप तुरंत भेजिए, बट दिस टाइम लंच वॉन्टेड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, लेकिन इस समय लेंचू क्या चाहता है, अब वो चाहता है कि इस बार भगवान उसके लिए जो पैसा भेजें वो थ्रू द मेल नहीं भेजें, यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजें, क्योंकि ही कंसीडर देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि वो समझता था कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये सभी करप्ट हैं। अब ये बंच ऑफ क्रूक्स जो वर्ड है ये एक फ्रेज है, ये फ्रेज है, और इसकी मतलब होता है जो लोग होते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब है जो सभी करप्ट लोग होते हैं, यानी करप्ट लोगों का एक ग्रुप होता है जिसे हम बंच ऑफ क्रूक्स कहते हैं। हु हैड स्टोलन 30 pesos फ्रॉम 100 pesos सेंड बाय गॉड, और उसका मानना ये था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सभी करप्ट हैं, आपने जो मेरे लिए 100 pesos भेजे थे उनमें से इन्होंने 30 paise चुरा लिए हैं। तो यही कहानी का सारांश है कि कर्मचारी जो उसको पैसे भेजते हैं, और लेंचो का भगवान के ऊपर इतना गहरा विश्वास है कि उसका मानना है भगवान तो गलती नहीं कर सकता, भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन ये लोग जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं इन्होंने उसमें से 30 pesos ले लिए हैं। तो इसलिए वो भगवान से कहता है कि अगली बार अगर आप मुझे पैसे भेजोगे तो वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजेंगे। तो ये कहानी का सारांश है, सभी छात्र एक बार इसको अच्छे से अपनी बुक में पढ़ लें और समझें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे से इसको आंसर कर पाएँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।